पिलाओ पिलाओ मटर पिलाओ पिलाओ के अब ये ऐसे ये तीन उंगली का फाली है और वैसे आगे से तुम झुक रहे हो तो और ये हमारे पुलाव में कुछ ऑयल ऑयल डाले क्या है हमें जर्दे के रंग डाले तो ये देखा वेलकम टू नाजियाज लाइव। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे और व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को आज। मैंने आज सफाइयाँ की हैं घर की बहुत अच्छा और बस इसी तरह के व्लॉग्स आप लोग देखते रहें मेरे पसंद करते हैं जो लोग पसंद करते हैं उन सब के लिए मेरे दिल और जिगर गुर्दे फेफड़ों से बहुत 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 शुक्रिया और आप लोग पसंद करते हैं उसका भी बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ पार्सल आए मेरे पास किसी के हैं पार्सल्स वो मेरे घर आए हैं जो ऑर्डर के हैं वो मैंने मंगवाए वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या है पार्सल्स में अंदर क्या है मैंने भी कुछ भी नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और कल वाला व्लॉग जो था मेरा अबाय वाला टिप टॉप अबाय वाला वो भी बहुत अच्छे अबाय हैं हम भी परचेज़ करके लेके आए हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के अबाय हैं तो वो ज़रूर देखिएगा जो लोग अबाय यूज़ करते हैं उनके लिए है और ऑनलाइन भी वो जो है उनकी सर्विस है तो वहाँ मैंने उनको लास्ट में जो है उनका नंबर भी है मेंशन किया है तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये कि चलते हैं मेरे आज गोदाम में और गोदाम में जो है देखते हैं क्या है क्या नहीं है पार्सल भी जाने वाला है इंशाल्लाह मेरा तो उसको भी दिखाएंगे। बाकी दिखाते हैं आपको गोगी की तो हरकत है आप लोग देख ही रहे हैं कि गोगी कितनी शरारती होगी। गोगी मुझे बहुत तंग करती है हर वक्त किचन में होती है ठीक है ना मैं रहूँ ना रहूँ मुझसे ज़्यादा किचन में होती है। इसको बर्तन धोना सोच रही हूँ सिखा दूँ काम करना सिखा दूँ ऐसी इधर उधर पड़ी रहती है। चलते आए देखें ज़रा क्या होता है ज़रा मैं देखूँ पार्सल में है क्या मैंने भी नहीं देखा। खाती हूँ पार्सल एक ये आया है और बहुत बड़ा पार्सल है उठना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्योंकि वो खुद नहीं आएगा। एक ये है ये मुझसे भी ज़्यादा भारी है ठीक है ना खोलते हैं पार्सल में क्या है वो देखते हैं। तो जी पार्सल खोलते हैं देखते हैं इसमें क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं बहुत भारी भरकम चीज़ है इतना बड़े बड़े शॉपर भी आते हैं इतना बड़ा शॉपर भटकन लगेगा सारे अंकल जो उठा के लाए थे पार्सल मुझे मिलना चाहते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी ये ऑनलाइन मंगवाए हैं हमने और ये सेल हो चुकी है थोड़े से दिखाएंगे आप लोगों को ज़्यादा नहीं आइए माशाल्लाह माशाल्लाह प्योर है प्योर है। एक ये आए हैं किसी की दूसरी बहन भाई भी आए हैं ये भी बहुत खूबसूरत आया कलर कितना नाइस है ओह वाओ क्यूट क्यूट प्यारा क्या ये आया है ये आया है धानी में कटदानी का पार्सल जितने आए ये तो बड़ा प्यारा ब्राइडल कलर है वैसे खूबसूरत ब्राइडल कलर रेड कलर रेड रेड मैंने पता नहीं कब पहना होगा इतना रेड नहीं पहना ये अच्छा लग रहा है बहुत कुछ आया हुआ है मेरे पास तो बहुत कुछ पार्सल और कितने प्यारे ये आसिम जोफा स्टाइल में बहुत प्यारे हैं बहुत प्यारे आइसिम कवर है छोटा सा ब्लॉग बनाने में क्या है यार कितना प्यारा है और ये बहुत हैवी वाली है ये अच्छा है खूबसूरत है नो डाउट बहुत प्यारा पार्सल है माशाल्लाह से पैकिंग बहुत अच्छी है सब पे टैग है इरम लिखा हुआ है इरम इरम यू नो माय सिस्टर इरम हाय 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 प्यारा कलर मैंने निकाल तो लिया है ओ ये तो जहेज बड़ी वाले कपड़े हाय अल्लाह ये आया है माशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी बड़ा पार्सल जा दोबारा जाने वाला है ये अच्छा कलर है ये देखिए नाइस
सबसे टेस्ट है मुझे लग रहा है ना इसमें, धानी तो मुझे पसंद ही हमेशा से। सबसे अच्छे ना ये रेड रेड वाले बहुत प्यारे लगे, सबसे प्यारा ये मैरून, ये क्या है ब्राइडल रेड नहीं होता ये, वो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, पैकिंग भी अच्छी है, नाइस। बस ये सारे ठीक है, ये मेरा पार्सल आ गया, एक मैंने खोल दिया, ये इंशाल्लाह सेम है। आए आए भैया इधर हो गया साइड के, ना मुझे थोड़ा सा खोलें, ये बहुत प्यारा है, अब ये पता नहीं क्रॉप्स हैं शॉर्ट्स हैं क्या, लेकिन हमने मंगाया है तो यार तो क्या यार जिंदगी इंसान की आसान हो गया। लेकिन मैंने देखा है लोग इंस्टा पे पीआर पार्सल होते हैं, ओ वाले ओके ये पहले भी आते थे, नाइस है, ओ ब्लैक स्टोन यार देखना तो चाहिए, आप लोगों को दिखाती हूँ उनके प्यारे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जिनके हैं अल्लाह उनके कारोबार बरकत दे। पैकिंग कीजिए, ये मैंने देखा हुआ है, ये वाला अच्छा लगा है, नाइस यार स्टोन का वर्क कितना प्यारा हुआ है, कम से कम भी 3 किलो का 4 किलो का सूटर, ये तो मैंने पहले देखा हुआ है भाई, दिखाया हुआ भी आपको, बहुत प्यारा सूटर है। तो जी ये है सारा कुछ, बाकी और भी बहुत कुछ आया हुआ है, बैक टू वर्क। पार्सल खोलने के बाद हम निकल गए थे, हमारा कुछ खाने का प्रोग्राम बन गया था, तो हमने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं न्यू, कोई पिज़्ज़ा शिज़ा की डील देखते हैं, तो हम लोग चले गए थे गुलिस्तान जौहर। तो जी यहाँ पर गुलिस्तान जौहर पे एक मिला हमें डबल चीज़ के नाम से, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, और ऊपर भी सारा प्ली एरिया भी था, मैं गई थी लेकिन शोर बहुत था, मैं नीचे वापस आ गई, और मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाऊं कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, न्यू है शायद, ओपनिंग इसकी हुई है, और ये हमें हमारे लिए सैलेड बन रही थी, और बहुत जैसे होता है ना बहुत अरसे बाद मुझे ऐसी सैलेड नज़र आई, वरना तो यही होता है कि ये हमें पहले मिलती थी पिज़्ज़ा हट में मिलती थी ये वाली सैलेड, तो ये वाली सैलेड हमें बहुत अरसे बाद नज़र आई। रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है, नीट एंड क्लीन है, न्यू है, बड़े अच्छे अच्छे से इस पर कमेंट्स लिखे हुए थे, इन्होंने मेरे लिए टैग भी बंद कर दिया था, जो स्पीकर इनके साउंड चल रहा था तो वो भी बंद कर दिया था उसके बाद जो है। तो जी कॉफ़ी हो वहाँ पर, मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो सारे केक रखे हुए थे, और बहुत मज़ेदार लग रहा था यार, लोग इन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह फैमिली के साथ। ये देखें यार क्या क्या वर्डिंग लिखी हुई है, ये देखें सारा इनका मेन्यू लगा हुआ था, और ये देखें यार डील्स इतनी अच्छी अच्छी डील्स, और जो है इतनी रीज़नेबल रेट्स पे डील्स थी कि मैं आपको क्या बताऊँगी। देखें Get 3 पिज़्ज़ा हमने भी मंगवाया, Buy 1 Get 3, और ये देखें कितनी अच्छी डील है यार, 2000 में आप इतना कुछ खा लें तो क्या बात है। मैंने इसलिए रोक दिया यहाँ पे कैमरा कि आप लोग भी जाएं ऐसी जगहों पे एंजॉय करें, इतने सारे 2000 में इतने लोग खा के आ जाएंगे, क्या बात है यार कराची की, कराची बल्ले बल्ले। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो आपको बता देते, डबल चीज़, और मैं बाहर से भी दिखाऊंगी लोकेशन कैसी है। और ये जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है हमें सैलेड मिली थी, हम खाना चाह रहे थे सैलेड, लेकिन हमने कहा हम इतना पिज़्ज़ा तो खा भी नहीं सकते, तो हमने कहा ये सैलेड हमें उन्होंने दी कि आप लोग टेस्ट करें, वाकई सैलेड बहुत अच्छी थी। मेन्यू देखें, हम डिसाइड कर रहे थे क्या लें, तो हमने भी वही डील ली जो है 2000 के 3 पिज़्ज़ा, यानी कि लार्ज और 2 स्मॉल पिज़्ज़ा। सैलेड तो मज़ेदार थी, बहुत हमने इंजॉय किया सैलेड को, और बाकी ये कि सैलेड के साथ साथ मज़े आ गए। अच्छा ये कि सैलेड खा ली थी, अच्छी है, जैसे पिज़्ज़ा हट में मिलती थी वैसे थी, पिज़्ज़ा आ गया था, पिज़्ज़ा कोई ऐसी नहीं था कि डील में था तो जी हल्का फुल्का वाला पिज़्ज़ा था, नहीं जी बिल्कुल वेल एंड गुड, बहुत टेस्टी, और मैंने पास्ता भी ऑर्डर किया था, तो हमारा ये आराम से 3000 का बिल बन गया था नॉर्मली, ठीक है। और वरना तो आपको पेन पिज़्ज़ा मिल रहा होता है 800-900 रुपये का, तो हम लोगों को जो है ये रीज़नेबल रेट्स पे 2000 में और 1900 में हमें 3 पिज़्ज़ा मिल रहे थे, जो हमसे खाए भी नहीं जा रहे थे हस्ब आदत, ठीक है। और हस्ब आदत हमारा जो है खाना हमेशा बच जाता है, क्योंकि हमने इतना मंगवा लिया था, हमसे खाया तो जाने था। ये देखें बाहर की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ, और ये सारी लोकेशन है बाहर हमारा, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर आपको मैं बराबर में दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था ये, इनका नंबर है,
और जाएँ, इंजॉय करें, खाएं मज़े मज़े की डील। और बहुत अच्छा है कि इसके बराबर में केबीज भी था। और ये देखें वापस जा रहे हैं, घर कहाँ गया हमारा, घर कहाँ आए, कहाँ आए हम ढूंढते हुए जा रहे हैं। खैर अपने घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद की रूटीन दिखाएंगे अगले दिन की, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और ये कि अच्छा लग रहा था, देखो अभी भी लाइटें चल रही हैं भाई, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया लाइटें देख के, इस तरह की रौनक देख के, ब्रिज देख के, साफ़ सुथरा सन्नाटा देख के ना मज़ा ही आ जाता है वैसे, क्या बताएं आपको। चलो आप बाहर चलें, गुड़ी गुड़ी गुगड़ी आओ जाओ, यहाँ से है रास्ता बाहर का, जाओ ऐश करो, इंजॉय करो, बिल्लों को देखो, बिल्लियों को देखो, ठीक है जाओ इंजॉय करो। आजकल गुगी जो है करतब दिखाने पे पड़ी है। ओए गुगी तुहाडा ना की है, बोलो साडा ना गुगी है। ओए गुगी, ओए कहाँ जा रही हो गुगी, गिर जाओगी, क्यों खुदकुशी करने पे तुली रही हो, मैं तुम्हें बार बार खुदकुशी करने से रोक रही हूँ, मत करो मत करो खुदकुशी, आ जाओ नीचे, शाबाश 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 शाबाश, चलो मेरे पास ही आ गई, अद हो गई भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो जी यहाँ पास्ता बॉईल हो रहा था, मैंने कहा चले कुछ खाने का दिल चाह रहा था, हमजा लोग आ गए थे तो मैंने कहा चलो वाइट पास्ता बनाते, तो ये मैं नहीं बना रही, हमजा बना रहे हैं। फिर जी मैं भी किचन में, मैं क्यों कम, मैं किसी से कम हो गया, मैं अगर कर सकती हूँ क्या, मैं नहीं बना सकती खाना, मैं भी बना सकती हूँ खाना, मैं अपना टैलेंट आप लोगों को दिखाने आई हूँ कि ये भी टैलेंट है मेरे। तो मैंने बना दी जी काले चने मज़ेदार, उसमें मैंने डाल दी शिमला मिर्च, हरी मिर्च की जगह मैंने शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि शिमला मिर्च से ये हो जाता है ज़रा आप खा लेते हैं आराम से ना। और जी मैंने इसमें डाल दिए उबले हुए आलू, और बस यही कि उबले हुए आलू डाल दिए, थोड़ा सा मज़ा आता है यार, चटपटा हो जाता। गोगी कह रही है ये तो सबके लिए खाना बना रही है, मुझे तो पूछ ही नहीं रही, इसलिए खुद किचन में आ गई और ये देखने लगी कि शायद अब ये खाना देगी। सही सही बताएं कैसे लग रहे हैं चने, कैसे मज़ेदार लग रहे हैं ना, यकीन करें इतने मज़े के। बस इमली मैंने नहीं खट्टा ज़्यादा नहीं डालती, नींबू डाल दिया था तो बहुत टेस्टी थी। और हमने मंगवाई थी फ्राइज़ बाहर से, और गंदा वाला सॉस, तो देखें खाना बनता है ना यार, ये तो ज़रूरी है ना, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। घर के चने क्या मज़ेदार डिश लग रही है, आप देखते ना यार, मज़ा आ गया। सारे मत खा लेना चखने चखने में, कैसे लश मज़ेदार, मैं नहीं खूबसूरत मम्मा कर रहा है वो 50-50 देख के, पता क्या करता है 50-50 देख के आरविन को ना यूं करता है, यूं मम्मा यूं, लास्ट टाइम एक दफा पहले एकदम आरविन कितना पास आए खड़ा हुआ ऐसे करके 50-50 यूं आगे खड़ा हुआ, आरविन ने बोले नहीं मेरे पास वॉलेट नहीं है, ठीक है आरविन को जाते थे यूं, मेरे ये सही है, हम लोग पैसे रहते तो हमें बातें सुनाते हैं। देखो जौहर में क्या हुआ कि मैं ना मौसम के साथ जौहर में ना मौसम के साथ बाइक पे जा रहा था, आराम से बोल दो मोहब्बत से, उफ सुने मैंने बाइक पे जा रहा था जौहर के साथ, 21 की बात है, मोहसिन के साथ बाइक साइड पे लगा दी रिक्शे के साथ, एक दो दो आए ना ये 50-50 जो कहते हो आप लोग आए, कहते ऐसे नहीं देख रहे मुझे, ऐसे 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 नहीं ऐसे प्यारे, अल्लाह की कसम मम्मा मेरी जो हंसी, मैंने कहा भाई भाई चलते निकलो, अच्छा भला आरविन बैठा हुआ है, आरविन को जाते देखना यूं जाते जाते यूं, हम पैसे नहीं दे, हमें बात नहीं आती है, आरविन को आरविन से प्यार मोहब्बत की बोलती हूं मैं, गुड इन लोगों ने बोला ना उनको उनको हालांकि मेरे पास वैसे ही कोई वॉलेट नहीं है, आपके पास वैसे ही पैसे नहीं होते, आपकी बात मान लो। मम्मा ने चाट बनाई थी ये खाई, ये बहुत दिन का मेन्यू बताओ, लिक्विड ही चाट हो गई ये बहुत, हाँ पूरे दिन का मेन्यू, आज सुबह से ये वाला चूल्हा इस्तेमाल हो रहा है, ये बेचारा बोल रहा है इतना इस्तेमाल हो रहा हूँ मैं, भिंडी भिंडी पराठा, फिर उसके बाद मैंने आलू के पराठे, फिर मैंने उसके बाद क्या बनाया पराठी बनाई जा रही है सुबह से, उसके हाँ। बाद मैंने सही सबको नाश्ता सब के बाद सबको नाश्ता अलग अलग देती है ना, इसलिए बहुत लंबी हो जाती है, इतनी होती नहीं है पर हो जाती है, इसके बाद मैंने फिर मटर पुलाव, यम्मी हैपन, खाने को नहीं जाता है मैंने, क्या चिप्स
लो तुम लोग क्या समझे खाए ना क्योंकि मैं सच्चा बचा क्या चलो ये तो बाल हो गए गायब अरफिन ये तो बाल हो गए गायब मैं थक गई असल में बात मैंने क्या है तो भाई लास्ट स्टेज चल रहा है बेचारा जो मुझे पकाना आता है असल में मटर पुलाव 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 मटर पुलाव पुलाव चावल हाँ वही था वो तो तहारी तो हम बहुत कम बनाते हैं पुलाव पुलाव पे ज्यादा खेलती हूँ पुलाव पुलाव अच्छा लगता है तो पुलाव खाओ और ये अच्छा ही बनता है बार बार जितनी बार बनाते हैं टेस्ट आता है इसका ये अच्छा बनता है चलो पता नहीं क्या सूट हाल है पर अच्छे बन रहे हैं मतलब नॉट बैड मतलब ये खिले खिले बन रहे हैं खिले खिले नो अलग अलग चावल अलग ओ बाबू बाबू कैसे हो बाबू बसा है खाना हमसे खा रहे हो हाँ अभी देखेगी कहाँ मैं इसके पास बैठू लाइट गर्मी नहीं होगी इसकी वार्म है ना गुगी आओ गुगी आओ गुगी 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 ओ पारी गुगी ओ मैंने बच्ची कुछ थोड़ी देर अंदर चली जानी ना कर यार ना कर तेरी तो आंखें भी चमक रही है आगे मंदिर की बात करूंगी ओ सबसे पाल कलाती लेती हूँ सबसे पाल कलाती रहती हूँ तुम टुंगी टुंगी बारा कराती रहती हूँ जबकि अभी ऐसे चौदह साल की औरत हो तुम शर्म नहीं आती बच्चों के पास आती हो नहीं पसंद नहीं आ रहा उसको ये कह रही हो कि आज इस औरत के पास से लहसुन अदरक की बदबू आ रही है तीन रंग के कपड़े पहने हुए मैंने ये दुपट्टा ये रहा शर्ट ये ब्लैक और ट्राउजर ये सही सी दवा थोड़ा सही वो हार्ट पे करते ना या किडनी में दर्द हो रहा है लो ओ जी काम चोर 14 साल की कैसे में बुजुर्ग काम चोर है हमजा की बुजुर्ग हो गई है थक गए ऐसे में वो कह रही है अबे मेरा मसाज कर मैं तो काम का सुन के थक मसाज का सुन के थक गई कैसी हमजा ने कहा ना यहाँ मसाज करो यहाँ करो तो फौरन बैठ गई इसने कहा चलो काम करवाने लगा फ्री हो गया आरपिन तुम बुलाओ आरपिन इतने भेड़े तरीके से बुला रहे आओ आओ कबूतर की तरह कबूतर है ना ये आरपिन असल में वैसी जानवरों के साथ खेलते हैं मगरमच्छ सांप भेड़ बकरियाँ हमजा से तो ना रिकॉर्ड करवा लो करना कराना से कुछ होता नहीं आरपिन मर जाएगी वो ऐसी वाह गिरी में ओए कैसे पकड़ लिया छोड़ दो नहीं करे छोड़ दो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो जीन और हाजरीन मैं आपको एक शख्स की हाइट दिखाती हूँ माशाल्लाह कहिएगा ये ऊपर से कितना खाली है ऊपर से दो उंगली का खाली है तीन तीन यहाँ से लगाओ तो तीन उंगली का ये तीन उंगली का खाली है और वैसे आगे से तुम झुक रहे हो तो ओ माय गॉड तू आर्मी में चला जा मॉडलिंग कर ले अल्लाह के वास्ते कुछ तो कर ले ओ तो पता नहीं ये कहाँ से आया है पर कहीं से आया है तो है लड़की से बात करो वो मम्मा इग्नोर करो और चलो इसको एक रिव्यू भी कर लेते हैं हाथ क्या नहीं गाइस मेरे मतलब का नहीं है ये क्या है मम्मा ये क्या है वाइट वाइट ये खोया क्या सच बताऊं राइस से अच्छा है ये अम्मा चावलों से अच्छा है ये खोया नो डाउट चावलों से अच्छा खोया तो मैं सिर्फ ये वाइट वाइट ही खाऊंगा और कुछ नहीं हाँ वही और ये हमारे पुलाव में कुछ ऑरेंज ऑरेंज डाले क्या है हमें जर्दे के रंग डाले तो ये थोड़ा सा ना ऑरेंजी ऑरेंजी सा हो गया बट ये आ गया
मैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा हमारे घर से। जो आ गया वो आ गया, अब तुम हमारे वश में हो गूगी, अब तुम नहीं भाग सकती यहाँ से, समझी गूगी। एक गूगी ऊपर एसी पे चढ़ेगी, इसको एसी की पता नहीं क्या है, ये बाहर जाना चाह रही है बैल्कनी में, इनको बैल्कनी की ठंडक में मजा आ गया। हाँ बैल्कनी में जाना चाह रही है, पर इतनी मट्टी है ना, जरा सफाई कर दो। आज चढ़ गई हो तो गूगी, कपट पर चढ़ गई हो तो आज जरा सफाई कर दो, सिवाय मट्टी के वहां कुछ नहीं होगा। ए गूगी बात नहीं सुन रही हो ना, अरे करना क्या चाहते हो, कुत्ता चुप रहा है। हाय टीवी चल रही, टीवी पे टीवी पे यार, टीवी गिर जाएगा। देखो पंखे पंखे पे जम ना मारते, डर लग रहा है। इधर से आओ गुगी, उतारो नहीं उतर, डर रही है। पंखे पंखे पे ना मार ले, खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको उतार रहे हैं। आओ आओ गुगी मशाय, खुदकुशी नहीं करना, खुदकुशी नहीं करना, आ जाओ यहाँ पे आओ। मैं उसको खिड़की दिखाएं, खिड़की। अरे भाई क्या कर रही हो, खिड़की पंखा बंद कर, डर लग रहा है। नीचे आओ खिड़की पे भूगी, यहाँ चलो नीचे आओ, यहाँ यहाँ जंप मारो, चलो मैं से तो हाथ नहीं लगाया जाएगा, नमा नहीं जाना, नीचे आओ, खेच के उतारना पड़ता है, ऐसे थोड़ी प्यार से आती हैं, जबरदस्ती उतारना पड़ेगा। आओ गुगी, ओ गुगड़ी आ जाओ, आओ इसको ऐसे थोड़ी जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी उतरेगी। और आओ आ जाओ, आओ यहाँ आओ, यहाँ देखा ड्रामा हो गया, ये लो यहाँ आओ, यहाँ आओ गुगी, यहाँ नीचे आओ, यहाँ आओ, आ जाओ आओ नीचे आओ, कैमरे में फुल एक्शन के साथ एक्शन रिप्ले, कुर्सी भी लाए। अभी चिकन लेके आऊंगी ना, इसके सारे चिकन की मोटी लेके आए, फिर देखो इसकी खूबसूरत। ओ मैं तेरू नहीं छड़ूंगा, सोचती हूँ पूरा, नहीं नहीं यहाँ 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 रखेंगे तो तुरही। ये देखा आए आए, हमारे हमें तरीके आते हैं अच्छे अच्छे को सीधे करने के, हमारे पास कमजोरी है तुम्हारी। चलो चिकन खानी है, छोटी मोटी तो नहीं दी थी, थोड़ी सी दे दें, बड़ी दी थी, चलो थोड़ी सी डाल दें। और तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, बदतमीज हो गए हो तुम, तमीज नहीं है तुमको, सब कहते हैं कि तुम खाना खिलाती हो ना, जा ये दूध बिस्किट्स माशाल्लाह। नहीं भाई वो कह रही है ब्रोस खिलाओ, तुम लोग बहुत दिन से ब्रोस नहीं खिलाए। नहीं खाएगी, हाँ खाएगी खाएगी, अब तो खाने के बाद ये ऐसी सोने जाएगी। खाने से पहले की पोजीशन